उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बूचड़ खानों पर रोक लगाना शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ वहां पर कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में बूचड़ खानों पर सरकार का क्या रुख है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो बूचड़ खाने बंद करने का जो निर्णय लिया है, उनके इस निर्णय से हम सहमत हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का भी सवाल है, यहाँ पर भी गौ हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है, और जो कुछ महत्वपूर्ण जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और हम यूपी के इस निर्णय से हम सहमत हैं। हिंदू वाहिनी है, बजरंग दल है, और आपके जो कई अनुषांगिक संगठन हैं, उनकी लगातार मांग रहती है कि क्या जो गौ है, जो गौवंश है, उसकी इस तरह से हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ने एक उदाहरण पेश कर दिया है, मध्य प्रदेश उसका अनुसरण कर सकता है? नहीं, ऐसा है, मध्य प्रदेश में पहले से ही गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध का कानून लगा हुआ है, और यूपी में अभी निर्णय हुआ है। वैसे भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसी गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि आज हर जितने भी मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। जो कहीं कटाई में जो जानवर जाते हैं, उसको आम जनता भी रोकती है। कई हमारे जो अशासकीय संगठन है, वो लोग भी इसमें काम करते हैं और सरकार उसको सहयोग देती है। गोकुल अभियान की आपने शुरुआत की है, किस तरह का अभियान है और क्या कुछ किया जाएगा इसमें? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पशुपालन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। अभी हमारा मध्य प्रदेश के अंदर देश में दूध उत्पादन में हम चौथे स्थान पर हैं, और इस साल में समझता हूँ कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और जो हमारा जो दूध उत्पादन की जो वृद्धि हुई है, वो देश की जो उत्पादन जो वृद्धि है वो 6% है, और हमारे मध्य प्रदेश की 12% है। हम दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है, और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, कृषि को आने वाले 5 साल में दुगनी आय करना है, तो पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन विभाग और कुटीर ग्राम उद्योग जैसे रेशम की खेती जो होती है, हमारे तीनों विभाग कृषि आय को दुगनी करने में बहुत बड़ा मददगार है। पर पशुपालन मंत्री ने साफ कर दिया है कि जहां तक गौवंश की हत्या का सवाल है, मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि बूचड़ खाने पर रोकने का जो निर्णय है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने जो नजीर पेश की है, उसके बाद भाजपा शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ गया है कि बूचड़ खाने पर वो अपना स्टैंड क्लियर करें। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट, ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।